मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशा निर्देश में कोरोना वायरस के संक्रमण ले रोकथाम बर मुख्यमंत्री सहायता कोष ले 3 जिला रायपुर दुर्ग और बिलासपुर ल कुल 4 करोड़ रुपया के राशि करे गयी आवंटित। दुर्ग भिलाई में कोरोना पीड़ित होके स्वस्थ हो चुके महिला पार्षद शाहीन अख्तर के हुई मौत। हालांकि मौत के बाद कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई निगेटिव। अब एयरपोर्ट में कोरोना के रिपोर्ट दिखाना है अनिवार्य। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा हवाई यात्रा के माध्यम ले छत्तीसगढ़ अवैया यात्री मन पर कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा निर्देश करेगा जारी। कवर्धा के चिल्फी घाटी पहुँची कोरोना संक्रमण, 20 लोगन हुई कोरोना पॉजिटिव। जिला में पाछू 7 दिन में मिली 1468 मरीज। राजनांदगांव ले एक दुखद खबर आई सागू। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के थिएटर में नाटक मन में कई भूमिका निभैया रंगकर्मी दीपक तिवारी के होइस निधन। बताया जाते के लंबा समय ले रहिस बीमार। प्रदेश में अउगह राइस रेमडेसिविर दवा की किल्लत। 9 अप्रैल बिहनिया ले अब तक एक भी खेप के नहीं हुआ थे सप्लाई। अस्पताल मन में भर्ती कोरोना के गंभीर मरीज के जान ऊपर मंडरा थे संकट। मुंगेली के करही धपई गांव में हुई कोरोना विस्फोट। एक ही परिवार के 1.5 दर्जन लोगन कोरोना संक्रमित पाए ले गांव में मची सड़कम। ग्रामीण कंटेनमेंट जोन घोषित करे के करा थे मांग, लेकिन जिला प्रशासन नहीं आते गंभीर नजर। और सीएम भूपेश बघेल राज्यपाल अनुसुईया उइके ला जन्मदिन के दिस बधाई और शुभकामना। सीएम ईश्वर ले उनकर लंबा उम्र और स्वस्थ जीवन के करीस कामना।